अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार चिकन का कोरमा जवारी की रोटी के साथ। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, ड्राई कोकोनट, 2 हरी मिर्च, 2 छोटे प्याज, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, दालचीनी और लौंग। ये देखिए, 1/2 kg बोनलेस चिकन है ये। इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, साइड पर रख लीजिए। ड्राई कोकोनट के बदले आप कच्चे खोपरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करें लौंग, दालचीनी, इलायची। 3 से 4 लौंग हैं, 1 इलायची। देखिए स्टिक्स इतने ही डाले हैं। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज छोटे 2 को ऐड किया है हमने, इसे भी ऐसे ही ग्राइंड कर लें। इसके बाद ऐड करें टमाटर। टमाटर के छोटे पीसेस कट कर लें और इसमें ऐड कर दें। इसमें थोड़ा वाटर डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। देखिए ऐसे। कढ़ाई में ऐड करें ऑयल, तेज पत्ते को ऐड करें। थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। इसमें ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी कच्ची खुशबू डिसअपीयर हुए तक इसे अच्छे से स्टर करते रहिए। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर और प्याज का मसाला। इसे 5 to 10 मिनट्स अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पर। ये जितना ज़्यादा भुनेंगे इसका टेस्ट उतना ही मज़ेदार रहेगा। बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी थी। अब इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और चिकन के पीसेस। चिकन के पीसेस को ऐड कर देने के बाद 2 to 3 मिनट्स इसे अच्छे से भून लेना है। स्टर करते रहिए, इसका फ्लेम लो कर दे वरना ये सूख जाएगा। अब इसमें ऐड करना है नमक, 1.5 टीस्पून, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून, थोड़ा हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिकन मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से स्टर करिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा पानी डालिए। पानी डालकर इसे अच्छे से स्टर कर लेना है। वो जो जार था ना, वो जार में का पानी को अच्छे से हिलाकर इसमें ऐड कर दें। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि इसका टेस्ट बहुत लजीज है ये। इसे 2 to 5 मिनट्स ऐसे ही भून लेना है। इसे जितना ज़्यादा भुनेंगे इसका टेस्ट उतना ही निखर कर आएगा। ये देखिए इसका पीस एक बता देती हूँ। अब यहाँ पे ऐड कर दे पानी, पानी एक ग्लास। पानी को ऐड कर देने के बाद इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ते। धनिया पत्ते को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर ऐड कर दें। 10 to 15 मिनट्स इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मॉम्स किचन, बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। मज़ेदार चिकन, बहुत ही यम्मी, बहुत टेंडर और जूसी है ये। अभी अभी जवारी की रोटी बना लिया है हमने। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसे ज़रूर ट्राई करें जवारी की रोटी के साथ, या फिर आप गेहूं की रोटी के साथ भी इसे ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मॉम्स किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।